स्वागत है आपका IPL 2020 के ऑक्शन से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों IPL 2020 को स्टार्ट होने में अभी लंबा समय है और IPL 2020 के ऑक्शन को भी शुरू होने में अभी लंबा समय है, लेकिन हम सब अभी से जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है IPL 2020 का ऑक्शन हमें देखने को मिलेगा, कौन सा खिलाड़ी कितना महंगा बिकेगा, कौन सा खिलाड़ी जाने वाला है अनसोल्ड। अभी से हम सबको इस चीज का इंतजार है और यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPL 2020 के ऑक्शन की, आपको सारी डिटेल देने वाले हैं, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कब जो है वो हो सकता है IPL 2020 का ऑक्शन। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो अगर आप भी IPL का इंतजार कर रहे हैं, IPL 2020 का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों बात करें IPL 2019 की, यानी कि लास्ट IPL की, तो सब कुछ बड़ी जल्दी जल्दी जो है IPL 2019 में हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड कप 2019 IPL 2019 के बाद था। वहीं लोकसभा इलेक्शन भी जो है एक बड़ी झंझट थी IPL 2019 के लिए, जहां पर ऑक्शन की अगर बात करें तो 18 दिसंबर को हमें IPL 2019 का ऑक्शन देखने को मिला था। काफी जल्दी जो है IPL 2019 का ऑक्शन हुआ था, नॉर्मली इतनी जल्दी जो है ऑक्शन हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन IPL 2020 की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी खबर ये कि कोई भी झंझट IPL 2020 को लेकर नहीं है। IPL 2020 में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चलेगा, ऑक्शन भी नॉर्मल और जो स्टार्टिंग का डेट है IPL का वो भी हमें नॉर्मल ही देखने को मिलेगा, तो ये काफी अच्छी खबर है IPL 2020 से पहले। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह का ऑक्शन होगा IPL 2020 का, तो आपको बता दें एक और बार हमें मिनी ऑक्शन जो है वो देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों IPL 2020 का ऑक्शन भी जो है वो मिनी ऑक्शन होगा, जहां पर आपको बता दें कि सभी टीमें अपने कुछ कुछ प्लेयरों को जो है वो रिलीज करेगी, जिन प्लेयरों को वो रखना नहीं चाहती वो प्लेयर हमें ऑक्शन में दिखाई देंगे। इनके अलावा कई सारे यंग खिलाड़ी भी जो है अपनी किस्मत IPL 2020 के ऑक्शन में आजमाते हुए नजर आने वाले हैं। तो मेगा ऑक्शन नहीं होगा, मिनी ऑक्शन ही हमें दिखाई देगा, जहां पर कई सारे यंग प्लेयर ऑक्शन में दिखाई देंगे, वहीं टीमों को जिन प्लेयरों को रिलीज करना है वो प्लेयर जो है हमें ऑक्शन में दिखाई देने वाले हैं, तो इस तरह का हमें ऑक्शन दिखाई देगा। यहां पर दोस्तों BCCI ने यंग प्लेयरों को लेकर एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, बहुत ही अच्छा कदम उठाया है IPL 2020 के रिगार्डिंग, जहां पर आपको बता दें कि BCCI को काफी सारे कंप्लेंट जो है इस बात के आ रहे थे कि मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि IPL के ऑक्शन के बाद रखी जाती है उसको IPL के ऑक्शन से पहले रखना चाहिए, ताकि यहां पर जो प्लेयर अपना टैलेंट दिखाते हैं उनको अच्छी खासी रकम जो है ऑक्शन में IPL के मिल सके। और इस कंप्लेंट्स को देखते हुए यहां पर BCCI ने बड़ा कदम उठाया और आपको बता दें कि 2019 और 20 का जो मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो यहां पर IPL के ऑक्शन से पहले रखा गया है। जी हां दोस्तों बड़ा चेंज जो है यहां पर BCCI ने किया है घरेलू क्रिकेट के शेड्यूल में, जहां पर मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो IPL 2020 के ऑक्शन से पहले होने वाली है। डेट की अगर बात करें तो 8 नवंबर से 1 दिसंबर तक जो है मुश्ताक अली ट्रॉफी चलेगी, वरना नॉर्मली इसका जो टाइम होता था वो होता था फरवरी मार्च में जो है हमें मुश्ताक अली ट्रॉफी देखने को मिलती थी। तो ये बढ़िया कदम BCCI ने उठाया है। अब यहां पर हमें इस मुश्ताक अली ट्रॉफी से काफी सारे यंग प्लेयर मिलेंगे जो कि IPL 2020 के ऑक्शन में चमकते हुए दिखाई देंगे, तो ये अच्छा कदम BCCI ने IPL 2020 से पहले जो है वो उठाया है। अब एंड में बात करें कि कब होने वाला है IPL 2020 का ऑक्शन, क्या डेट जो है वो IPL 2020 के ऑक्शन की आ सकती है, तो हमने आपको बताया कि सब कुछ यहां पर IPL 2020 में नॉर्मली चलने वाला है। और ऑक्शन की अगर बात करें तो यहां पर जनवरी के एंड में हमें ऑक्शन होता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में जो है वो हमें यहां पर IPL 2020 का ऑक्शन दिखाई दे सकता है। तो दिसंबर में नहीं होगा इस बार, जनवरी के एंड में या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में जो है IPL 2020 का ऑक्शन हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे ही दोस्तों कंफर्म डेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, ये सारी खबरें जो है IPL 2020 के ऑक्शन को लेकर आ रही थी जो कि हमने आपको दी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।